जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपकी के अपने यूट्यूब चैनल। दोस्तों अगर आप भी एसएससी जीडी कांस्टेबल के अभ्यर्थी हो, जैसा कि आप सबको पता है यहाँ पे आपका मेडिकल चल रहा है और आज आपकी तारीख हो चुकी है दोस्तों 13 जनवरी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आज 13 जनवरी यहाँ पे हो चुकी है और अब आपके यहाँ पर मेडिकल की रिपोर्ट की बात करें तो सबसे पहले हम बात करने वाले स्टूडियो में कौन सी फोर्स मेडिकल हार्ड ले रही है। जी हाँ दोस्तों, बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी और सीआईएसएफ सभी आपके जो मेडिकल सेंटर उनकी यहाँ पर बात करने वाले। साथ में बड़ी बात दोस्तों यह देखने वाले कि इतने ज़्यादा कैंडिडेट मेडिकल में बाहर क्यों हो रहे, क्योंकि इतने ज़्यादा अभ्यर्थी यहाँ पर सबसे ज़्यादा आप देख रहे हो। एवरेज आपने सुना भी, अगर आपका कोई दोस्त मेडिकल देखे है, हमारे पास बहुत सारे रिपोर्ट्स आते हैं, बहुत सारे दोस्त फोन करते हैं कि सर मेरा मेडिकल हो गया, हमारे सेंटर में इतने अभ्यर्थी थे और इतने अभ्यर्थी को मेडिकल में अनफिट कर दिया है। आखिर दोस्तों उसको देखते हुए आखिर आपकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। जी हाँ दोस्तों, अगर आप प्रथम जो पहली वाली लिस्ट में आपका नंबर है और आप मेडिकल करवा के आ रहे हो तो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी आपके मेडिकल जो हो रहा है उसको देखते हुए। तो यहाँ पर मैं आपको सारी जानकारी स्टूडियो में प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। अगर आप एसएससी जीडी कांस्टेबल के अभ्यर्थी हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। दोस्तों आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, साथ वीडियो लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। और आप चैनल पर नए हो तो चैनल भी सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले ताकि आपको एसएससी जीडी कांस्टेबल के रिगार्डिंग हर प्रकार की अपडेट आपको मिलती रहे, साथ में डेली की मेडिकल से रिलेटेड अपडेट भी आपको मिलती रहे। तो चलो दोस्तों देखते हैं। उससे पहले दोस्तों अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, साथ में अपने दोस्तों के पास में बात जरूर जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करें कि कौन सी फोर्स, जी हाँ दोस्तों कौन सी फोर्स है वो यहाँ पर मेडिकल हार्ड कर रही है। यहाँ पर बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीपीपी, एसएसबी और सीआईएसएफ के कैंपों में आपका मेडिकल हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, सभी राज्यों में अलग अलग सेंटरों में हो रहा है। बात करें अलग अलग कई राज्यों में आपकी सीआरपीएफ भी ले रही है, बीएसएफ भी ले रही है और आईटीपीपी मेडिकल ले रही है। तो यहाँ पर अगर आपके आंकड़ों के अनुसार बात करें तो सबसे हार्ड मेडिकल हो रहा है वो हो रहा है बीएसएफ के सेंटर में। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, सबसे हार्ड मेडिकल देखा गया अभी तक बीएसएफ के जितने भी सेंटर हैं यहाँ पर 50% तक भी अभ्यर्थी मेडिकली रेफर किए जा रहे हैं, मेडिकली अनफिट किए जा रहे हैं, आप ऐसा मान सकते हो। क्योंकि मैंने पहले ही दिन आपका मेडिकल स्टार्ट हुआ था 9 जनवरी को, 10 जनवरी को जैसे रिपोर्ट आई थी तो सबसे पहले मैंने आपको बीएसएफ की ही रिपोर्ट बताई थी। उसके बाद बहुत सारे सेंटरों की भी अलग अलग भी मैंने रिपोर्ट बताई है कि सीआरपी में कितने हो रहे, आईटीबीपी में कितने हो रहे। उसके बाद नेक्स्ट फोर्स की बात करें तो दोस्तों आपके सीआरपीएफ में भी मेडिकल है वो बीएसएफ, बीएसएफ जितना हार्ड नहीं हो रहा है, थोड़ा इजी हो रहा है, लेकिन सीआरपीएफ में भी मेडिकल है वो यहाँ पे ठीक ठाक हो रहा है। जबकि आईटीपी, एसएसबी और सीआईएसएफ इनमें मेडिकल थोड़ा इजी हो रहा है, फिर भी इनमें आप एवरेज मानो तो 30-40% अभ्यर्थी मेडिकल अनफिट हो रहे हैं। जबकि बीएसएफ में अगर एवरेज बात करें तो 50% तक भी अभ्यर्थी मेडिकली अनफिट हो रहे। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, ये आपके 3 या 4 दिन का जो आपकी मेडिकल रिपोर्ट है उसका रिव्यू मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। तो इतने अभ्यर्थी यहाँ पर आपके मेडिकली अनफिट हुए। अब बात करते हैं खासतौर से आखिर आपकी फाइनल मेरिट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। तो दोस्तों आप इसका तो खुद भी आप अंदाज लगा सकते हो कि अगर 40% एवरेज, अगर सभी सेंटरों का एवरेज निकाल लें, बीएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीपीपी, तो यहाँ पे आपका 40% एवरेज रहता है, 40% अभ्यर्थी मेडिकली अनफिट। यहाँ पर मेडिकल के लिए बुलाए गए 2.5 गुना अभ्यर्थी। अब बात करें जो उपस्थिति की, कितने अभ्यर्थी प्रेजेंट रह रहे और कितने अभ्यर्थी अब्सेंट रहे। हर सेंटर की बात करें तो यहाँ पर 10 से लेके 15 अभ्यर्थी सभी सेंटरों में अब्सेंट रह रहे, चाहे वो गर्ल्स हो या बॉयज हो। यहाँ पर एवरेज बात करें दोस्तों 10 से 15% अभ्यर्थी यहाँ पर, 10 से 15 अभ्यर्थी, अब परसेंट नहीं दोस्तों, 10 से 15 अभ्यर्थी यहाँ पर अब्सेंट रह रहे। तो आप 0.5 यहाँ पर आप निकाल सकते हो, बचे एक पोस्ट के लिए 2 अभ्यर्थी। अगर यहाँ पे 40% की बात करें, कई सेंटरों में 50 भी है, तो एक पोस्ट के लिए 1 अभ्यर्थी बच रहा है। कई ज़्यादातर सेंटर जहाँ इजी हो रहा है तो एक पोस्ट के लिए 1.5 अभ्यर्थियों के बीच में कंपटीशन है। तो आपका कंपटीशन तो बहुत कम हो चुका है यहाँ पे। तो अब आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट है दोस्तों वो यहाँ पर ज़्यादा नहीं बढ़ने वाली, क्योंकि अभी तो जिनकी सेकंड लिस्ट आई, जिनका फिर से फिजिकल होने वाला है, जिनका फिजिकल पहले हो चुका है और जिनको मेरिट से बाहर कर दिया, उनका वापस यहाँ पर आपका मेडिकल होने वाला है। तो वो भी तो आस लगाए बैठे हैं, जो आपके बाद वाले स्टूडेंट हैं जिनके आपसे कम नंबर है, आपकी कट ऑफ के जो पहले वाले कट ऑफ के अंदर जिनके नंबर थे। तो यहाँ पर आप पहले लिस्ट में हो, आप मेडिकली फिट होते हो, तो आपका यहाँ पर दोस्तों पूरा चांसेस बन जाता है। इसके अलावा दोस्तों आपको मेडिकल रिपोर्ट की बात करें तो यहाँ पर सभी सेंटरों में अलग अलग यहाँ पे मेडिकल हो रहा है। यहाँ पर
अब दोस्तों बहुत सारे दोस्त ये सोचते हैं कि सर मेडिकली अनफिट डायरेक्टली कर देते हैं या फिर एक मौका और मिलने वाला है हमें रीमेडिकल का। तो दोस्तों मैं बता देता हूँ, कई अभ्यर्थियों को डायरेक्टली ग्राउंड में ही अनफिट कर देते, उनको मौका मिलता ही नहीं है। दूसरी बात, कौन कौन से अभ्यर्थी है, एक तो आपके टैटू वाले, जी हाँ दोस्तों टैटू। दूसरी बात करें कलर ब्लाइंडनेस, जी हाँ दोस्तों कलर ब्लाइंडनेस, इनका कोई इलाज नहीं होने वाला, ये डायरेक्टली बाहर होंगे। साथ में प्रेग्नेंट, जी हाँ दोस्तों प्रेग्नेंट गर्ल्स है तो उनको भी यहाँ पे दूसरा मौका नहीं मिलने वाला, उनको भी यहाँ पे डायरेक्टली अनफिट कर दिया जाता, मतलब रीमेडिकल का इनको मौका नहीं मिलने वाला। और इसके अलावा जितने भी अभ्यर्थी उनको रीमेडिकल के लिए एक बार मौका मिलने वाला है। तो दोस्तों आप देख सकते हो आप मेडिकल का जो रेशियो है वो इसी प्रकार आपका रहने वाला है। तो दोस्तों ये थी एक मेरे द्वारा दी गई छोटी सी जानकारी, आशा करता हूँ दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, चैनल पे आप नए हो तो चैनल भी सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले ताकि आपको एसएससी जीडी कांस्टेबल के रिगार्डिंग हर प्रकार की अपडेट आपको मिलती रहे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई खबर के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।